नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या सरकारी नौकरी। इन्हीं चार ऑप्शंस में आप में से 90% लोगों की करियर चॉइसेस छुपी हैं। दूसरा, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी पेलियंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मीटियोरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। थ्री इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से है। लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। बार बार इस फिल्म में मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग वही गिने चुने 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इंप्लीमेंट करने में? क्या दोष यहाँ पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स का और टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स का है? आज के इस वीडियो में आइए करते हैं इसकी गहराई से एक एनालिसिस और सॉल्यूशंस को भी समझते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। जब हम बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करते हैं, हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने के तरीकों की, एग्जामिनेशन के सिस्टम्स की, सिलेबस की। लेकिन असलियत में दोस्तों ये प्रॉब्लम सिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, पूरी इन्वायरमेंट की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साल 2021 में इंडियंस ने करीब 5 घंटे एवरेज प्रतिदिन बिताए मोबाइल फोन्स के स्क्रीन को देखते हुए। तो नेचुरल सी बात है, जब लोग फोन के स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जब 5 घंटे दिन के उस पर बिताए जा रहे हैं। तो मास मीडिया का यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं मोस्टली 4 तरीके की खबरों से, पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली जनता को दिखाई जाती हैं। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस बड़े ही प्रेस्टीजियस प्राइजेस जीत कर आए देश के लिए। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैन फिल्म फेस्टिवल में इस साल। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर को चलाने की जगह किस चीज पर खबर चलाई गई कि ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जब कैन के रेड कार्पेट पर चलने लग रही थी तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। इसी साल गीतांजलि श्री को द प्रेस्टीजियस बुकर्स प्राइज मिला उनकी नॉवल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। बुकर्स प्राइज के पोडियम पे पहुंचने वाली ये पहली इंडियन लैंग्वेज की कोई नॉवल थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना? इसके अलावा इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता 4th इंडियन बनी रामा उज्जैन प्राइज जीतने वाली पिछले साल। लेकिन क्या आपने कोई इंटरव्यूज देखे उनके किसी टीवी पर? साल 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अब्दीदी एक्चुअली में पहले इंडियंस बने पुलित्जर प्राइज जीतने वाले फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 2020 और 2022 में भी इंडियंस ने इन प्राइज को जीता। लेकिन क्या उनमें से किसी का भी इंटरव्यू आपने किसी चैनल पर देखा? अब ऑफ कोर्स इन चीजों को अगर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया जाता, इन विनर्स को टीवी पर इंटरव्यू किया जाता, न्यूज चैनल्स में इनकी बात करी जाती तो ऑफ कोर्स और लोग इंस्पायर्ड होते, यंग लोग पैशनेट फील करते फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर और मैथमेटिक्स को एज करियर ऑप्शन चुनने में। लेकिन नहीं, न्यूज चैनल्स पर क्या हेडलाइन चलती है? ये वीडियो हो रहा जमकर वायरल। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गढ़ा लीजिए। बताओ जरा, इस तरीके से कुछ बेनिफिट पहुंचेगा सोसाइटी को? यही चीज हमें फिल्मों में भी देखने को मिलती है। थ्री इडियट्स जैसी जो फिल्में हैं वो एक्सेप्शन है। आमतौर पर कभी आपने नोटिस किया हो जो फिल्मों में हीरोज होते हैं उनके क्या प्रोफेशन होते हैं? आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन, कभी कभार गैंगस्टर बना देंगे, कुछ गन फाइट के सीन होंगे, कुछ डिशुम डिशुम होगा यहाँ पर, कुछ केसेस में बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन भी दिखा देते हैं फिल्मों में। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते किसी बिजनेस की। फिल्मों में आपको कभी भी ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी कीपर और सितार प्लेयर जैसे प्रोफेशंस नहीं दिखेंगे। एक और जरिया जिससे यूथ मोटिवेट हो सकता वो चला गया। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वो दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे होते हो।
एल्गोरिथम्स इस तरीके से डिजाइंड हैं, अगर आपने कुछ देखा वही चीज आपको वैसी ही उससे रिलेटेड चीज और ज्यादा दिखाई जाती है। तो कोई भी अनकन्वेंशनल करियर, कोई हटके जॉब कभी भी आपको खुद से नहीं दिखेगी इन प्लेटफॉर्म्स पर, जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे इन चीजों के बारे में। तो अगर आप इस सारे मास मीडिया के इन्फ्लुएंस को अकाउंट में लो, तो जो करियर चॉइस जिसे आप अपनी समझ रहे हो शायद वो आपकी करियर चॉइस नहीं है, बल्कि मास मीडिया की कंडीशनिंग है जो आप पर इम्पोज करी गई है, और आपका लैक ऑफ एक्सपोजर है, आपको बेसिकली पता ही ना होना कि और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पर आता है पेरेंट्स का। अक्सर कई पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देते हैं। बचपन से ही हमने काफी बार सोसाइटी से सुना है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में सुना है कि कैसे जो पेरेंट्स कहने लग रहे हैं वो बिल्कुल सब सही है। ये इमोशनल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपने देखे होंगे ना, कि मैंने रियलाइज किया कि पापा ही सही थे। वक्त बीत जाने के बाद ही एहसास होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ऐसी सोसाइटी में अगर आपने अपने पेरेंट्स पर कोई सवाल किया या फिर उनसे किसी बात पर डिसएग्री किया, तो आप पर इमीडिएटली लेबल लग जाता है, बदतमीज हो, संस्कार नहीं है क्या। लेकिन जरा खुद ही सोचकर देखो, अगर हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पर समझदार और बुद्धिमान होते तो पूरी दुनिया समझदार और बुद्धिमान लोगों से भरी होती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स यहाँ पर समझदार और बुद्धिमान है। इसी रीजन से कई पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी फिगर समझते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनना पड़ेगा, वही सच है। ये पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को पनिश करते हैं, मारते पीटते हैं। छोटी मोटी चीजों को लेकर अगर बच्चे ने डिसओबे कर दिया तो उन्हें पनिश किया जाता है। ऐसे पेरेंट्स अक्सर मानते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे अच्छे बड़े होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट एडल्ट्स बनेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये चीज सच नहीं है। कई रिसर्च पेपर्स ने साबित किया है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग एक्चुअली में बच्चे के कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है, और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर इससे एक बुरा असर पड़ता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि दुनिया भर की रिसर्च ने ये प्रूफ किया है। तो ऐसे पेरेंट्स जब कहते हैं भाई हम तो अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाएंगे, हमने तो अपने बेटे से कह दिया है जितना टाइम लगे यूपीएससी निकालना है, हमने तो अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ही सोच रखा है, ऐसी बातों को सुनकर एक ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा जिसका सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी गिरा हुआ है वो कभी सवाल ही नहीं कर पाता। इसी रीजन से एक अनकन्वेंशनल करियर चुनना एक ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अनकन्वेंशनल करियर नहीं चाहते। इन पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता है कि भाई हमारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था, तो हमें पता है कि सही करियर ऑप्शन क्या है, स्टेबल करियर चॉइस क्या है। ये भूल जाते हैं अपने आप को समय के साथ अपडेटेड रखना, और इसका नतीजा ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन होने के 30 साल बाद भी आज के दिन सरकारी नौकरी टॉप डिमांड पर है। पिछले 8 सालों में करीब 22 करोड़ एप्लीकेशंस करी गई सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरियां एक्चुअली में अवेलेबल थी। ये जो रेशियो है यहाँ पर, ये 1 in 300 है, यानी 300 लोग अप्लाई करने लग रहे हैं तो सिर्फ एक को नौकरी मिल पाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करने लग रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाला फिगर जो है। यहाँ पर आप एक ऐसी रेस दौड़ने लग रहे हो जहां पर स्टार्टिंग लाइन पर 300 लोग खड़े हैं। इमेजिन करके देखो, 300 लोग दौड़ेंगे लेकिन सिर्फ फर्स्ट आने वाले को नौकरी मिलेगी, बाकी सेकंड जो आया, थर्ड जो आया, सब भूल जाओ, सबके सब रेस हार गए। बताओ ऐसी रेस क्यों दौड़ना चाहते हो? मैं तो जानता हूं कि अगर मैं ऐसी रेस में दौड़ा होता मैं फर्स्ट नहीं आ सकता था, मुझे नौकरी नहीं मिलती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी रेस दौड़ूंगा जहां पर सिर्फ 3-4 बंदे खड़े हैं स्टार्टिंग लाइन पर। मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने YouTube को एज अ करियर ऑप्शन चुना तब बहुत कम लोग इसे एज अ करियर ऑप्शन सीक आउट कर रहे थे, और मैंने इस पर सीरियसली काम किया क्योंकि कम कॉम्पिटिशन था। अनकन्वेंशनल करियर्स का यही फायदा होता है कि कॉम्पिटिशन कम होता है। वो अलग बात है कि आज के दिन यूट्यूब पर भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन और बहुत से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पर ना के बराबर कंपटीशन है। ऐसी रेस दौड़ोगे जहां पर आप इकलौते आदमी हो दौड़ने वाले तो पक्का फर्स्ट आओगे। बताओ किसे नहीं मजा आएगा ऐसी रेस दौड़ने में। जब मैंने यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियोज बनाने शुरू किए उस वक्त कोई भी इस तरीके की वीडियोज नहीं बना रहा था पूरे देश में, तो मैं अपनी रेस को अकेला दौड़ रहा था। यहाँ पर गारंटीड था कि मैं रेस जीतूंगा। हाँ, वो अलग बात है, ये नहीं पता था कि फिनिश लाइन कहाँ पर है। अनसर्टिनिटी बहुत होती है कि ये स्टेबल करियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रिस्क होता है। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं ये रिस्क प्रेफर करूंगा वो 1 in 300 वाले रिस्क के कंपैरिजन में। अब पेरेंट्स को कन्विंस करना ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज रहता है। अगर आप अपने पापा को जाकर कहोगे कि पापा मुझे पेलियंटोलॉजिस्ट बनना है, दूसरी तरफ से जवाब आएगा ये क्या होता है। अब कहोगे मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, कहेंगे ये भी कोई काम हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, इसमें क्या स्कोप है। ग्राफिक डिजाइनर बनना है, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। इंटीरियर डिजाइनर बनना है, पहले सही से नौकरी ढूंढ ले फिर हॉबी की तरह इसे करते रहना। वेडिंग प्लानर बनना है,
हम लोगों में ये बिजनेस बिजनेस नहीं चलता। यहाँ पर एक्चुअली में पेरेंट्स को सुधरने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स के पास एक्सपोजर और नॉलेज नहीं है किसी करियर ऑप्शन के बारे में, तो उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। लेकिन वो उल्टा बच्चों को जवाब देते हैं कि तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। ऐसे केस में आप जाकर अपने पेरेंट्स को वापस जवाब देकर कह सकते हो कि पापा नौकरी तो मुझे करनी है, तो काम मेरी पसंद का होना चाहिए, आप क्यों फैसला लेने लग रहे हो। सुनने में आर्ग्यूमेंट काफी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हमारी सोसाइटी में बदतमीज माना जाता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। और एक बच्चा जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और अथॉरिटी फिगर्स के अंडर बड़ा हुआ है, वो शायद से कभी करेज उठा ही ना पाए ये बोलने की। चाहे उसके दोस्त भी क्यों ना कहते हो डू व्हाट यू लव, स्टीव जॉब्स क्यों ना कहता हो वो करो जो तुम्हें पसंद है, थ्री इडियट्स के कैरेक्टर्स क्यों ना कहते हो कि वो करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आएगा पापा नहीं मारेंगे। अब अगर कुछ लोगों ने करेज दिखा दी अपने पेरेंट्स से बात करने की, उन्हें कन्विंस करने की, तो दूसरी तरफ से पेरेंट्स की तरफ से जवाब आएगा तो करो अपनी मर्जी, हमें बाद में मत बोलना। ये चीज सुनकर एक बच्चे के मन में क्या आएगा? बहुत सारा डाउट और फियर। वो एक नया रास्ता चुन रहा है और पेरेंट्स ने उसे धकेल दिया है कि चलो तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हम पीछे हट रहे हैं यहाँ से। इनडिसाइसिवनेस बढ़ेगी यहाँ पर। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऐसी सिचुएशंस में डर क्यों लगता है। कई कॉग्निटिव बायसेस हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला है कॉन्फर्मिटी बायस। एक एवरेज इंसान का दिमाग हमेशा कॉन्फर्मिटी में रहना चाहता है बाकी लोग जो कर रहे हैं उसके साथ। इस चीज को बेसिकली पीयर प्रेशर कहा जाता है। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि बेसिकली हम वही करना चाहते हैं जो हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं और खुद से करने लग रहे हैं। खुद ही सोचकर देखो, क्या आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहेंगे? वहां पर एवरेज पैकेज 20 लाख पर एनम का है, अच्छी नौकरी मिलती है। लेकिन नहीं, IIT करेंगे आप। क्यों? क्योंकि हर कोई IIT करना चाह रहा है। हम वही करना चाहते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। आजकल फलाना करियर का बूम हो रहा है, आजकल ये बड़ी इन चल रही है चीज, ये ट्रेंडिंग है, ये हॉट करियर है। हमारे दोस्त ने अपनी बेटी का IIT कोचिंग में एडमिशन कराया है, हम भी कर लेते हैं। मेरे मामा के लड़के ने डेंटल का कोर्स किया है, मैं भी डेंटल का कोर्स कर लेता हूँ। ऐसी भेड़ चाल वाली सोच का एक्चुअली में एवोल्यूशनरली एक एडवांटेज होता था। आज से कई हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, और अपने ट्राइबल लोगों को आप कुछ करते हुए देखते कि वो लोग अपने घर के बाहर पत्थरों से बाउंड्री बना रहे हैं ताकि कोई शेर आकर उन्हें ना खा जाए, तो आपके लिए फायदेमंद होता उन्हें कॉपी करना और अपने घर के बाहर भी पत्थरों की एक दीवार बना लेना। लेकिन आज के जमाने में ये चीज फायदेमंद नहीं है कॉपी करने वाली। इसके अलावा एक और बायस होता है, एम्बिग्युइटी इफेक्ट। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए चुनने के लिए, एक ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या है, दूसरे ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरी करना, जहाँ पे आपको पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 out of 300 है, और दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनर बनना, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता क्या है। रिसर्च ने दिखाया है कि इंसान ज्यादातर उस ऑप्शन को चुनना प्रेफर करते हैं जहाँ पर उन्हें पता हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारा दिमाग प्रेफर करता है कि एक एस्टिमेट्स और गेसेस ना लगाने पड़े। जो एम्बिगुअस चॉइस है वो हम ना चुने, हम ऐसा ऑप्शन चुने जिससे हम ज्यादा फेमिलियर हों, जिसे ज्यादा सुन रहे हो, जिसकी ज्यादा बात करी जा रही हो और जिसका सक्सेस रेट हमें पता हो। यही कारण है कि ऐरे गहरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, सोनीपत से लेकर मेरठ से लेकर जोधपुर तक। ये कॉलेजेस कोई प्लेसमेंट नहीं प्रॉमिस करते, इनका सैलरी पैकेज भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी लोग इनमें जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि भाई दिख रहे हैं। सेम चीज कही जा सकती है सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स को लेकर भी। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 SSC MTS जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब्स हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं। जॉब मिलने का चांस 0.005, और अगर जॉब मिल भी जाए तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, 20,000 रुपए पर महीना की। इसे आप कंपेयर करो एक वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी से, जिन्होंने अगर अच्छा काम किया तो उन्हें 70-80 हजार रुपए पर महीना मिल जाएगा आसानी से। लेकिन फिर भी लोग इन सरकारी नौकरियों को प्रेफर करते हैं ग्राफिक डिजाइनर बनने की जगह। क्यों? एम्बिग्युइटी इफेक्ट। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले मास मीडिया की कंडीशनिंग, दूसरा हमारे पेरेंट्स, और तीसरा हमारे खुद के कॉग्निटिव बायसेस। ऐसी सिचुएशन में अगर उम्मीद ढूंढते हुए कहीं पर हम जा सकते हैं तो वो एक ही जगह बची, जो कि है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस। लेकिन क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस इस सिचुएशन से डील करने में मदद करते हैं? देश की ज्यादातर स्टेट्स में सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत ही खराब है, बेसिक एमिनिटीज भी वहां पर नहीं मिलती। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया,
कुछ महीने पहले की ही खबर है, हरियाणा सरकार ने 300 स्कूलों को बंद करा दिया, 20,000 टीचर पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और 38,000 टीचर पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं। असम की सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया कि 34 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर देंगे क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स उन स्कूल्स में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स फेल कर गए। मतलब हमारी सरकारें यहाँ पर स्कूलों को ठीक करने की जगह उन्हें बंद करने लग रही है। लेकिन एनीवेज, प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ने जा सकते हो अगर सरकारी स्कूल खराब है तो। प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है? ज्यादातर जगहों में दोस्तों आज के दिन भी ये रिस्पेक्टिंग दी अथॉरिटी की कहानी स्कूलों में भी चलती है, जहां पर टीचर को अथॉरिटी फिगर माना जाता है। घर पे पेरेंट्स हमारे अथॉरिटी फिगर, स्कूल में टीचर्स अथॉरिटी फिगर। जो टीचर कह रहा है वो बिल्कुल सही है। बच्चों को सीधे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सेम तरीके की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, बिल्कुल भी हल्ला मत मचाना। लड़कों के बाल हमेशा कटे होने चाहिए, लड़कियों के अगर लंबे बाल हैं तो उन्हें पोनी टेल्स में बांध के रखना चाहिए। आपको टीचर्स को हमेशा इंप्रेस करना पड़ेगा, आपको क्लास मॉनिटर बनना चाहिए। आप टीचर के चमचे बनकर क्लास मॉनिटर बन सकते हो, अपने क्लासमेट्स को बिहेवियर सिखाओ, और ये सब नहीं होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है फेमस कराटे किड फिल्म में, जिसमें कहते हैं कि कहीं पर भी कभी कोई खराब स्टूडेंट्स नहीं होते, सिर्फ खराब टीचर्स होते हैं। No such thing, bad student, only bad teacher. लेकिन ज्यादातर टीचर्स हमारे देश के क्या इस चीज को रियलाइज करते हैं? टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मेनस दिस। स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है होमवर्क ना करने के लिए, शोर मचाने के लिए, स्कूल में लेट आने के लिए, स्कूल बेल्ट ना पहनने के लिए। मुझे तो ये स्कूल से ही छुटकारा चाहिए एक महीने। कई जगहों पर फिजिकल पनिशमेंट भी देखने को मिलती है, हालांकि हमारे देश में इलीगल है, लेकिन बहुत जगह पर अभी भी ये कंटिन्यू हो रही है। कई न्यूज रिपोर्ट्स और सर्वेज ने इस चीज को रिवील किया है। फिजिकली मारना नहीं तो टीचर्स अक्सर मेंटली ह्यूमिलिएट करते हैं स्टूडेंट्स को, पूरी क्लास के सामने खड़ा कर उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं स्कूल में सिर्फ टोपी पहन के गया था, मेरे को टीचर ने इतना जलील किया, मेरी आत्मा को टोपी से नफरत हो गई। बहुत शैतान है, इसका दिमाग नहीं चलता, पता नहीं क्या करेगा ये बड़ा होकर, हम तो तंग आ चुके हैं। तो घर के अंदर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से जो हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे गिरता है, स्कूल के अंदर टीचर्स उसे और भी बचे खुचे सेल्फ एस्टीम को खत्म कर देते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ एक स्टूडेंट हमेशा औरों की तरफ देखता है कमांड्स फॉलो करने के लिए, खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता, खुद के डिसीजंस में हमेशा सेल्फ डाउट होता है। लेकिन एक दफा के लिए अगर हम मान ले यहाँ पर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है यहाँ पर स्कूल के करिकुलम की। स्कूल के करिकुलम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली में है कि अलग अलग करियर ऑप्शंस को ढंग से समझाया नहीं जाता, उनका एक्सपोजर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स या स्कूल असाइनमेंट्स में सुनने को मिला है जर्नलिज्म, वीडियो गेम डिजाइनर, वीडियो गेम टेस्टर, एक्चुअरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लोगो डिजाइनर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर या इवेंट मैनेजमेंट जैसे करियर्स के बारे में। एक जियोलॉजिस्ट जैसा करियर ही लेकर देख लीजिए, हमारे स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जियोग्राफी का। जियोग्राफी में चैप्टर्स होते हैं जहां पर हमें जियोलॉजी पढ़ाई जाती है कि धरती का कॉम्पोजिशन कैसा है, वोल्केनोज है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं एक जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, या फिर पेलियंटोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, या आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ? मैथ्स की किताबों में हमें चैप्टर्स देखने को मिलते हैं डेटा ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन जैसी चीजों के ऊपर, लेकिन कभी भी आपके दिमाग में आया कि मैं बड़ा होकर स्टैटिस्टिशियन बन सकता हूँ? हमें स्कूल में एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है बायोलॉजी, लेकिन कभी आपने सोचकर देखा कि मैं बड़ा होकर बोटैनिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जूलॉजिस्ट या एनाटॉमिस्ट बन सकता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि टीचर्स जो सिखाते हैं उसे बाहर की दुनिया से रिलेट करना भूल जाते हैं। स्कूल की किताबों में एक्चुअली में करियर्स के साथ कनेक्शन बनाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। शायद से स्कूल्स क्रिएटिविटी इंस्पायर नहीं करते। एक फेमस डायलॉग याद आता है अ ब्यूटीफुल माइंड फिल्म का। क्लासेस विल डल योर माइंड, destroy the potential for authentic creativity. अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब्स नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है। लेकिन स्कूल्स में कितना सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, इसके सिर्फ इक्का दुक्का एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। हाल ही में दिल्ली के स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम स्टार्ट किया गया था, लेकिन जनरली बाकी देश में ये सब नहीं किया जाता है। ऐसी चीजों को वैसे दुनिया भर में आज के दिन डिस्कस किया जाने लग रहा है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। एक फेमस टेड टॉक थी केन रॉबिन्सन के द्वारा, डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी। Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And
The result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. 2 crore से ज़्यादा views हैं इसके YouTube पर, जिसे देखकर पता चलता है कि कितने लोग इससे relate कर पाते हैं। वैसे फिल्में भी बनाई गई हैं हमारे देश में, तारे ज़मीन पर, हिचकी, जिनमें दिखाया जाता है कि पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाया जाए, पढ़ाने को एक इंटरैक्टिव इंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाया जाता है। तो हाँ, कुछ गिनी चुनी जगहें हैं जहाँ पर हमें इन आइडियाज़ की बात होते हुए दिखती है, लेकिन मेन स्ट्रीम नहीं हुए हैं अभी तक ये आइडियाज़। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं जानता हूँ हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे ज़रूर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले मास मीडिया, सबसे वायरल वीडियोस के पीछे मत भागो यूट्यूब पर, खुद से ढूंढने की कोशिश करो अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में। नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियोस देखो पेलियंटोलॉजिस्ट के ऊपर, कैसे उन्होंने डायनासोर्स को डिस्कवर किया। आर्कियोलॉजिस्ट के वीडियोस देखो जहां पर राखी गढ़ी एक्सकेविशन साइट की डिस्कवरी होने लग रही है। नेटफ्लिक्स पर जब आप फिल्में और टीवी शोज देखते हो, सबसे पॉपुलर वाले देखने की जगह जिनकी हर कोई बात करने लग रहा है, थोड़ा हटके चीजें देखो। बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, इकोलॉजी, एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, स्पेस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कोडिंग, साइकोलॉजी और रिलीजन जैसी चीजों पर। थोड़ा सा इनिशिएटिव यहाँ से खुद से उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया एल्गोरिथम्स आपको वो दिखाएंगे जिस पर आप क्लिक करके देखोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जब आपको वीडियोस दिखाए जाएं यूट्यूब पर, तो हर तरीके की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनमें इंक्लूड करी जाए। दूसरा, यहाँ पर पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की ग्रोथ पर। उन्हें खुद से इनिशिएटिव उठाने पड़ेंगे, अलग अलग करियर्स के बारे में एक्सपोजर गेन करें वो खुद, और खुद से नॉलेज गेन करें। ये सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स भी ये करने की ट्राई करें ताकि उनका पुराना माइंडसेट चेंज हो सके। तीसरा रोल आता है यहाँ पर टीचर्स और स्कूल्स का। सेम चीज़ उन्हें भी समझनी पड़ेगी और स्कूल्स को ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे वो क्रिएटिविटी को और स्टिमुलेट कर सके, कैसे करियर काउंसलिंग को स्कूलिंग का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स यहाँ पर खुद से भी इनिशिएटिव उठा सकते हैं। अगर करिकुलम यहाँ पर बदल नहीं रहा है तो वो खुद से अपने स्कूल के लिए एक करियर काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स ये ऑलरेडी करने लग रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर ये नहीं करना तो कम से कम एक 3 दिन की करियर काउंसलिंग वर्कशॉप करी जा सकती है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पर एक गेस्ट स्पीकर आए और स्टूडेंट्स को अलग अलग करियर्स के बारे में बताए। यहाँ पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बच्चों की खुद की जिंदगी का सवाल नहीं है, सिर्फ उनके करियर और उनकी सैलरी का सवाल नहीं है, बल्कि देश की डेवलपमेंट का भी सवाल है। ज्यादातर डेवलप्ड देशों में आपको दिखेगा कि हर तरीके के प्रोफेशन और करियर को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब देश में हर तरीके के प्रोफेशंस में लोग काम करते हुए मिलेंगे, तभी तो एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट होगी देश की। आज ये जो वीडियो है दोस्तों, ये काफी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कई साल पहले भी सोचा था। मैंने इस प्रॉब्लम को समझा था और खुद से एक सवाल पूछा था, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर मुझे आइडिया आया दोस्तों, क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जिस पर अलग अलग टाइप के अनकन्वेंशनल करियर्स, हटके जॉब्स के बारे में आप सबको बताया जाए। एक्चुअली में इन जॉब्स का क्या स्कोप है, इन करियर्स को कैसे आप चुन सकते हो, क्या आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा और क्या सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन जो लोग ये अनकन्वेंशनल जॉब्स करने लग रहे हैं वही इसके बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनाई जाए ऐसे लोगों से बात करके, उनसे सीख लेकर और आपको ये नॉलेज देकर। इस सीरीज पर दोस्तों मैं काफी समय से काम करने लग रहा हूं और ये बनाई मैंने डॉयचे वेले हिंदी के साथ कोलैबोरेट करके। तो अब आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं, एक टीजर, इंट्रोड्यूसिंग जॉब्स जरा हटके। सपनों की रिमझिम बारिशें होंगी पूरी सब ख्वाहिशें, चुन लो अनजाने रास्ते इस जिंदगी के वास्ते। रहो डटके जरा जरा हटके, जरा डटके जरा हटके, रहो डटके जरा जरा हटके, जरा डटके जरा हटके। उम्मीद है टीजर अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, हर कोई इन चीज़ों के बारे में सीख पाए और हम इस सिस्टम को बदल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।